गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आई एम जॉली एंड आई एम निकिता कैसे आप सब आई होप आप बहुत अच्छे हो सो गाइस आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हेन नो प्रॉफिट कैन हेल्प यू बाय मौलाना तारिक जमील सो गाइस इस वीडियो के लिए हमें बहुत 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 ज्यादा कमेंट्स आए हैं सो गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए तो ऑब्वियसली ये वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है सो गाइस देखते हैं ये बयान कैसा होता है बयान को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं क़यामत का मंजर होगा मैं अपनी बेगम से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता मेरे रब की कसम यौम यफ़र्रु अल्मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दु अल्मुजरिम लौ यफ्तदी यौम इज़्न मिन यौम इज़्न बनीह व साहिबतिही व अखीह व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फिल अर्ज़ जमीअ क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है मैं कहूँगा कौन हो कहाँ से आए हो ये कहेगा अब्बा आप कौन हो कहाँ से आए हो भाई भाई को नहीं पहचानेगा माँ माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफसे नफसे आदम अलैहि सलाम नफसे नफसे नूह अलैहि सलाम नफसे नफसे इब्राहिम अलैहि सलाम नफसे नफसे इस्माइल इसहाक याकूब यूसुफ यूनुस ईसा मूसा यूशा लूत शुएब साले हूद सारे अंबिया नफसी 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 मेरी जान बचा एक तरफ से एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती वाह या रसूल अल्लाह हम आपके कुर्बान जिस दिन माँ नहीं पूछ रही नबी नहीं पूछ रहे बेटा नहीं पूछ रहा भाई नहीं पूछ रहा या रब्बे उम्मती उम्मती या रब्बे उम्मती उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत तो नजरें तवाफ करेंगी ये आवाज कहाँ से आ रही है ये कौन बोल रहा है सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके चोली फैला के खड़े मेरी उम्मत को मेरी उम्मत को कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे जुए खेलते रहे जिना करते रहे सूद खाते रहे झूठ बोलते चोरियां करते रहे डाके मारते मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले मेरी उम्मत को बचा तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे मौत पे रिश्ते टूट जाते मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता ईसा अलैहि सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल लेकर मेरी जान बचा ले मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा पांच बड़े रसूल हैं नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमात ईसा अलैहि सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर और मेरा नबी कहे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले कौन सी उम्मत ने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया मेरा नबी कहता दफा हो जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया
सब बिला इन्हीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा, नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वाला सोफ माफी चाहता हूँ मैं जज्बाती हो गया हूँ, मेरे भाई बहनों मेरे बच्चों थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो, बहुत 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 ज्यादा इमोशनल बयान था। लाइक हमने अभी हमने मतलब थोड़ी देर के बाद हम बोल रहे हैं, हमने वीडियो जब स्टॉप की उसके लाइक हमें 10 मिनट हो गए होंगे, उसके बाद हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, क्योंकि मतलब ये हमारा था ना कि इतना सारा कुछ इमोशनली मतलब चीज़ें देख लेते हैं, इमोशनल चीज़ देखते हैं तो हमारा माइंड भी वो काम नहीं करता, ऑब्वियसली हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ चल रही थी। और हमने मतलब लाइक मतलब मौलाना जी को हमने आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉपर वीडियो देखी थी जिसमें वही मैं बोलने वाली थी, मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हुआ, मतलब ज्यादा है एक दो बट इतना नहीं है। एंड जब वो खुद भी इमोशनल थे तो नीचे बैठे हुए लोग भी बहुत सारे वो भी बहुत इमोशनल थे। एंड वो तभी होता है जब आप कोई चीज बहुत दिल से सुन रहे हो एंड जब आपको लग रहा हो कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, अगर कोई दूसरा इंसान को मतलब वो फील होता है। एंड बहुत अच्छी मतलब उन्होंने बात बोली, जैसा उन्होंने बोला कि मतलब जब मौत के बाद कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा, जो कि रियलिटी है, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी एक सोल होती है जो आपने एक्शंस किए होते हैं उसको आपका हिसाब उसका हिसाब देना पड़ता है। हाँ तो फिर उसमें कोई किसी को पहचानेगा नहीं, सिर्फ जो आपके एक्शंस होंगे वही मैटर करेंगे एंड में। तो इसलिए बोलते हैं अपने एक्शंस अगर आपके अच्छे सही हो तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे यही है कि हमें मतलब अभी की जो हमारी लाइफ है इसमें हमें अच्छे काम करने चाहिए और मतलब गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे हमें बाद में ना पछताना पड़े और बाद में ना हमें रिलेट हो। हाँ तो गाइज काफी ज्यादा इमोशनल बयान था और अब तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका सबसे ज्यादा, हमें भी बहुत ज्यादा, हमने इतने सारे बयान सुने हैं बट सबसे ज्यादा हमें अभी तक का ये लगा है और जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल था। गाइज आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।